नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चार स्टॉक्स बड़े ऑर्डर विंस और ऑर्डर विंस के दम पर स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एक शेयर तो इतना बड़ा ऊपर है, 20% का सर्किट लगा दिया उसने तेजी की तरह। एक्चुअली में ऑर्डर छोटा नहीं है, ऑर्डर बहुत बड़ा है। अब मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बताऊं, अगर डेटा की मदद से टोटल कंपनी का मार्केट कैप 20% सर्किट लगाने के बाद 3600 करोड़ का है। यानी कि अगर आप आज की तेजी हटा दें तो कल तक कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ का था। और अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ का हो और कंपनी को 2100 करोड़ का ऑर्डर मिले, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर टू मार्केट कैप जितना बड़ा ऑर्डर, तो स्टॉक का प्राइस कितना भागेगा? ऑब्वियस है, फिर तो रॉकेट ही होना है। ये जो 20% की तेजी आज बनी है, मेरे को लगता है और कैरी हो सकती है ऊपर की तरफ। दोस्तों, ये सिंगल ऑर्डर नहीं है, ये पूरी थीम 2020 में शुरू हुई थी, जब गवर्नमेंट ने कहा, इनफैक्ट 2021 में जब गवर्नमेंट ने कहा कि 2025 तक 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स देश भर में लगेंगे। और उम्मीद ऐसा लगा रहा है मार्केट की, इस बार बजट में स्मार्ट मीटर्स की संख्या 25 करोड़ से बढ़कर अराउंड 40 से 50 करोड़ की जा सकती है। और स्मार्ट मीटर बनाने वाली तीन बड़े लेवल पे कंपनियां थी जो मल्टी बैगर बनी है, अभी तक ऑलरेडी बन चुकी हैं, और आज उनमें से एक स्टॉक 20% का सर्किट मार रहा है। तो बिना किसी देरी के पहले मैं आपको सारे स्टॉक्स बता देता हूं शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में। एक तो आपका जो स्टॉक है दोस्तों, जिसको बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा और ऑर्डर्स के दम पर आपके लिए एक्शन में, वो है आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स, कभी आलू वालिया, कभी आपके लिए पीएनसी, कभी आपका एचजी इंफ्रा, तो ये चल रहे हैं भाई साहब, ये चलने लगे क्योंकि बजट आ रहा है। आपको पता है बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड केपेक्स आना ही आना है, अब देखने वाली बात यह कि कितना आएगा बस। अगर आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, 893 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। स्टॉक का प्राइस आपके लिए 5% ऊपर है। 893 करोड़ का ऑर्डर करंट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 10% का होता है, यानी सिंगल ऑर्डर ही आपका 10% का है, तो बड़ा ऑर्डर मानूंगा इसे भी मैं। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट के एक बार चार्ट्स पे नजर डाल लेते हैं कि कैसा दिख रहा है स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न, सो दैट हमें और अच्छे से चीजें समझ में आ सके। 1488 पे ट्रेड कर रहा है, 6 महीने के इनफैक्ट लाइफ हाई लगाया आज, 1542 का लाइफ हाई हिट कर दिया, बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन गया है। तो मैं इस पे भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ऑलरेडी एक बुल रन में चल रहा है, तो जिनके पास है होल्ड करें, नहीं है तो आप बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए मार्केट में इंफ्रा से रिलेटेड 5 स्टॉक्स मैंने रील्स में डिस्कस करे थे जो वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत सस्ते थे, तो वो आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं एक बार। सेकंड है आपका रेलवे से RVNL, ऐसे ऐसे कर रहा है, इतनी वॉलिटिलिटी है लेकिन जा ऊपर ही रहा है, जो बर्दाश्त कर रहा है वॉलिटिलिटी को वो पैसा बना रहा है, बट हर कोई नहीं कर पाता है। ये कंपनी विंस 138 करोड़, यानी परसों भी ऑर्डर मिले दो दो, आज फिर एक खबर आ गई कि 138 करोड़ का ऑर्डर जीता है कंपनी ने, और शेयर का प्राइस एक बार फिर लाइफ हाई लगा के ट्रेड कर रहा है 3.5% की तेजी के साथ। दोस्तों, थर्ड स्टॉक है NBCC, जिसको लगभग 1% की तेजी दिख रही है, ऑर्डर छोटा है एक्चुअली में, कंपनी को 36 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, जिसके दम पर स्टॉक आपके लिए 1% की रैली में है। अब आता हूं मैं फाइनल स्टॉक पे, जिसके लिए बहुत बड़ा ऑर्डर है और स्टॉक भी 20% सर्किट लाइफ हाई, HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। मैं आपको दोस्तों, ये तो आज फोकस में है, जो फोकस में नहीं है उनके बारे में बताऊं, पहले मैं इसकी डिटेल दे देता हूं। शेयर 20% सर्किट पे लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, कंपनी को 2100 करोड़ के लिए, कंपनी हैज रिसीव्ड वर्क ऑर्डर लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ रुपीज 2100 करोड़, तो ये 2100 करोड़ के ऑर्डर आप कह सकते हो। कंपनी का टोटल मार्केट कैप मैं एज ऑफ नाउ अभी के हिसाब से देखूं 3616 करोड़ का है, तो बहुत ही दमदार ऑर्डर जिसके दम पर दमदार एक्शन है। अगर और स्टॉक्स की बात करें, स्मार्ट मीटर सॉल्यूशंस की कंपनी है जो है, HPL पावर इलेक्ट्रिक देखा आपने, जीनस पावर है एक, इसमें आज कुछ नहीं हो रहा है लेकिन जीनस पावर एंड बोर्ड्स है, केवल जीनस पावर देखना चाहता हूं मैं। जीनस पावर का शेयर 3% के करीब तेजी में, लाइफ आई से ये भी ज्यादा दूर नहीं है, हालांकि ये HPL से महंगा है, वो 69 के पीई पे है, 102 के पीई पे है। एक और स्टॉक बताना चाहूंगा जो छोटा है, वो है आपका GMR, इंफ्रा वाला, एयरपोर्ट वाला नहीं, GMR पावर, अर्बन एंड पावर करके इसका नाम है एक्चुअली में,
अर्बन एंड पावर, GMR अर्बन एंड पावर, तो इसको भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी आपके लिए एक्शन कंटिन्यू बना रहता है। अभी मेरे को ये स्टॉक मिल ही नहीं रहा एक्चुअली में, GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा 5% ये भी रैली में। ये मैंने फर्स्ट टाइम ना, आप शायद हमारे साथ जुड़े हो तो मैंने दो वीडियो ही बनाई है, बाय रिकमेंड नहीं करा था बट डिटेल्स दी। तब इस शेयर का भाव 2000 करोड़ का मार्केट कैप था और करीब 40 रुपए पे ट्रेड करता था ये शेयर। आज इस कंपनी का 5900 यानी ऑलमोस्ट 6000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। तो ये भी एक उसी फील्ड से स्टॉक है। एक आध स्टॉक और है जो मेरे अभी, हाँ, स्नाइडर इलेक्ट्रिक। स्नाइडर इलेक्ट्रिक भी दोस्तों इसी फील्ड से, जो इनमें सबसे बड़ी आई थिंक स्नाइडर ही है। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक का शेयर देखें तो यहां भी 3% की तेजी है, 980 का हाई है, 122 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी आपके लिए एक स्टॉक है। तो ये सारे स्टॉक जो रॉकेट हुए पड़े हैं, स्मार्ट मीटर्स बनाने वाली कंपनियां हैं। होप आपको ये सारी डिटेल समझ में आई होंगी। इस वीडियो में मैंने कोई बाय सेल की बात नहीं करी, जस्ट अपडेट शेयर करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।